हेलो फ्रांस, कैसे हैं आप? बढ़िया। देखा जाए तो भैया, जिस प्रोडक्शन के शो ज़्यादा अच्छे होते हैं तो चैनल उनसे ही कहता है कि आप अपना नया शो और दीजिए। तो ऐसे में वो पहले पूरी दुनिया घूमते हैं, उसके बाद देखते हैं कि माहौल कैसा है, दुनिया की पसंद कैसी है, या फिर अपना फ्रेश माइंड करते हैं, उसके बाद ही कुछ अच्छा सोच पाते हैं। कहते हैं ना, मम्मी कुछ अच्छा खिला दो तभी तो कुछ अच्छा पढ़ूंगा, दिमाग में अच्छा अच्छा आएगा। या फिर काफ़ी जो स्टार होते हैं वो वकेशन पर जाते हैं, उसके बाद फ्रेश होकर अब एक नई जर्नी शुरू करते हैं, क्योंकि फिर उन्हें पता है कि फिर हमें अपनी जर्नी में लगातार जुड़े रहना है। तो वैसे ही मैं बात करने वाली हूँ, स्टार प्लस पे बहुत सारे शो आने वाले हैं, चिंता मत कीजिए। अगर आपको शो ऑफ ईयर की लिस्ट मिल रही है तो उन्हीं के बीच में जो है आपको शो जो है नए की भी लिस्ट मिल रही होगी। उन्हीं के बीच में राजन शाही एक नया शो और उतारने वाले हैं। ठहरो भाई, राजन शाही इस बार जो है अपनी मोम दीपा शाह के साथ मिलकर एक नया शो लाने वाले हैं। ऐसे में जब वो नया शो लाने वाले हैं तो कहानी काफ़ी ज़बरदस्त होगी, फैमिली बड़ी होगी, परिवार बड़ा होगा। स्टार प्लस पे इस तरह की कहानियाँ काफ़ी पसंद की जाती है जहाँ पे परिवार बड़ा होता है। एज ए एग्जाम्पल, अनुपमा ये रिश्ता क्या कहलाता है, गुम है किसी के प्यार में, जहाँ पे परिवार, चाचा, ताऊ, बच्चे, दादी, ये बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो उनमें जो है घुली मिली स्टोरी बनती रहती है। तो उसी टाइप की राजन शाही एक नई स्टोरी, राजन शाही एंड दीपा मैम एक नया शो उतारने वाले हैं, जिनका आप अनुपमा शो देख रही हैं, दीपा मैम का ये। तो वो जो है राजन शाही के साथ मिलकर जो है एक नया शो उतारने वाले हैं। अब शो एक जो है रीमेक होने वाला है बंगाली का, लेकिन उससे बड़ी खबर है कि शो में शिवांगी जोशी और जो है आपके प्यारे से शिवम खजूरिया नज़र आने वाले हैं। ऐसे में शिवम खजूरिया से पूछा गया तो उन्होंने कहा, अभी तक मेरे पास जो है प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर का कोई भी मैसेज या कोई भी इंफॉर्मेशन अभी नहीं आई है, लेकिन अगर ये न्यूज़ है तो मैं काफ़ी खुश हूँ, मैं उनके साथ हमेशा ही जुड़ना चाहता हूँ और मेरे लिए तो ये बहुत ही एक खुशी की बात होगी कि राजन शाही या दीपा शाह मैम ने मुझे जो है अपने शो में लिया। इससे पहले भी मैं उनके ये रिश्ता क्या कहलाता मैं रोहित का रोल कर चुका। ऐसे में जो है उन्होंने बातों को ना तो छुपाया और ना ही सब कुछ कहा, तो साफ सोशल मीडिया में न्यूज़ वायरल हो रही है कि जो है ये रिश्ता क्या कहलाता के पॉपुलर चेहरा रह चुकी शिवांगी जोशी राजन शाही के साथ फिर से जुड़ने वाली है। ऐसे में शिवांगी जोशी से भी उनके बर्थडे पर पूछा गया था कि आप राजन शाही के शो में नज़र आने वाली हैं, तो ऐसे में उन्होंने कहा अभी मुझे को तो नहीं पता है, लेकिन हाँ अगर उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला है तो कुछ अच्छा ही होगा, वो तो मेरी बिल्कुल फैमिली की तरह है और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं फिर से अपनी फैमिली में काम करने जा रही हूँ। तो ऐसे में जो है दो चेहरों के नाम सामने आए हैं, शिवांगी जोशी और जो है शिवम खजूरिया, जिन्हें आप ये रिश्ता क्या कहलाता में रूही के पति रोहित का रोल करते हुए देख चुके हैं। वैसे आपको बता दें कि जो है 720 जो है मूवी में भी वो नज़र आ चुके हैं, या फिर जो है मन सुंदर में भी वो नज़र आ चुके हैं, काफ़ी बेस्ट एक्टर हैं। अब आप बात आती है स्टोरी क्या होगी। स्टोरी चार बहनों की होगी, दो बहनों पे पूरा फोकस किया जाएगा, दो बहनें साइडवेज रोल होंगी जो कभी कभी एंटरटेनमेंट करेंगी, या फिर ये कहें वो शो से जुड़ी रहेंगी, लेकिन कैमरा जो है दो बहनों पर ही होगा। तो अब परिवार बड़ा होगा, चार बहनों की कहानी होगी, तो कहीं ऐसी ना हो जाए तेरी मेरी डोरिया, वो उससे प्यार, वो उससे प्यार, वो उससे प्यार, वो उससे प्यार, डोरी किसी की किसी से बंध रही है, किसी की किसी से बंध रही है, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो ऐसे में आप कितने एक्साइटेड हैं राजन शाही के इस शो का प्रोमो देखने के लिए या फिर और चेहरों का नाम जानने के लिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। जैसे ही और इन्फॉर्मेशन आएगी तुरंत बताएंगे। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।